गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सो दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज है मेरा जन्म दिवस, प्रकट दिवस, या लोकल लैंग्वेज में बोले तो हैप्पी बर्थडे है। और हैप्पी बर्थडे टू मी, थैंक यू गाइस, आप सभी की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। और तो आज का दिन मेरे लिए खास है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और ख़ास बनाया जाए, कुछ ऐसी कुछ यूनिक करके जो अभी तक मतलब कोई सोचता नहीं है, मतलब अपने बर्थडे पे इस तरह की चीज़ें करने का। तो मैं आज का दिन थोड़ा सा अलग तरीके से स्पेंड करने जा रहा हूँ। तो कैसे करने जा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता है, अभी तक कोई माइंड में आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ अलग हटके चीज़ें मैं करना चाहूँगा आज के दिन। सो चलो आज का दिन देखते हैं कि कैसा कैसा बीतता है, क्या क्या मैं आज के दिन पूरे दिन करता हूँ, और एट द एंड ऑफ माई डे व्हाट विल आई गेट इन रिटर्न। सो स्टे ट्यून विद अनफिल्टर्ड गौरव। दोस्तों आ गए हैं दिल्ली का दिल कन्नौट प्लेस में, और अब चलते हैं हनुमान मंदिर। और क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो सबसे पहले दिन की शुरुआत जो मैं कर रहा हूँ हनुमान जी के सामने माथा टेक के करनी चाहिए, मतलब मैं कर रहा हूँ, करनी चाहिए, वो आप पे डिपेंड, आपको करनी है नहीं करनी है। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों पहुँच गए हैं कन्नौट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में। और आपको पता है इस मंदिर की एक खास बात यह है कि ये मंदिर प्राचीन पता किस लिए है, क्योंकि ये मंदिर महाभारत के समय का, पांडवों ने इसको मतलब स्थापित किया था, तो उसी समय से इसकी मान्यता है। तो और यहाँ पे जो अंदर हनुमान जी की जो मूर्ति है वो एकदम नेचुरल है, मतलब वो उसी रूप में ही वहाँ पर पाई गई थी। तो चलो हनुमान जी का थोड़ा आशीर्वाद ले लेते, और अगर हो पाया तो जो यहाँ पे मंकीज़ वगैरह होते हैं उनको बनाना खिलाएंगे, ठीक है, अपनी सीन सेफ्टी देख के, क्योंकि वो आक्रामक भी हो जाते हैं कभी। तो दोस्तों चलिए करते हैं अपने आज के दिन की शुरुआत हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ। तो गाइस आज मेरा खाने का मन कर रहा है पान, सी खाई के पान बनारस वाला ढंग खाई के पान बनारस वाला उड़ जाए बंद अकल का ताला। तो ये वाले पान वाले अंकल हैं, ये आपने देखा होगा जनपद मार्केट पे, ठीक बिल्कुल नीचे बैठते हैं अंकल। इतना बड़ा है अंदर कर जाएगा, ये
बाय समझे। दोस्तों ये है जनपद की मार्केट। See this kind of product, it is मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ना कैची लगता है कि हाँ भाई मतलब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ से एक बार परचेज कर लेते हो ना तो थोड़ा सा आपको पछताना हो सकता है। आइए दोस्तों Right now, we are looking for bazaar. Bazaar? Yeah. I don't know. There. Bazaar is there. Janpad market. And we want Indian bazaar. Indian bazaar? Yeah. That is Indian bazaar. That one. Yeah. If you want a traditional kind of thing, you have to go, you should go Chandni Chowk. Chandni Chowk in town. सो गाइस ये है मेरा बर्थडे का फर्स्ट केक जो मैं आज कट करने वाला हूँ। कट क्या करने वाला हूँ, ऐसे ही खाऊंगा। सो गाइस आपको पता है जब मेरे भूसे वाले चैनल पे 11,500 सब्सक्राइबर हुए थे ना, तो तब मैंने यहीं पर ही मतलब केक काटा था। तो आज मेरी लाइफ का मतलब इम्पोर्टेंट डे है, आज मेरा बर्थडे है, तो इसलिए मैं फिर से आज यहीं पर आ गया हूँ। तो ऐसा कुछ केक कटिंग का तो नहीं है, बट ये है कि हैप्पी बर्थडे आप देख रहे हैं और इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है गौरव, और ये कुछ अलग फ्लेवर का केक है। पहले तो आप ही कहा हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस टू मी, तो मैं अपने कैमरा मैन को खिलाऊँ पहले। It's a different kind of cake. You must try this. तो चलो मैं अपना केक इन्जॉय करता हूँ, और आज शायद मेरे घर पे भी कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम होगा ही, वो मुझे भी मेरे घर वाले बता नहीं रहे हैं। तो फटाफट अब यहाँ से फ्री होकर घर ही निकलते हैं। खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है। आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है। खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है, खुश रहना। खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है। आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है। खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है, खुश रहना।
तो दोस्तों आज मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट मिला है और ये देखो इसके अंदर अब क्या है। हैप्पी बर्थडे। और ये देखो अमेजन से ऑर्डर आया है, ठीक है। और ये मैसेज है, इस मैसेज को हम हटाते हैं और इसको बाहर निकालते हैं। तो भाई आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या होगा? इट इज़ ए मिस्ट्री बॉक्स। चलो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या है। है तो ऐसे थोड़ा सा भारी। और इसमें है वैसे मेरी फेवरेट चीज़ जो मुझे बहुत दिनों से चाहिए थी। सो गाइस एक और पैकिंग, इसको भी अनबॉक्स करना पड़ेगा। सो गाइस ये देखो इस पर लिखा हुआ है, तो यही इसके अंदर होने वाला है, नेचुरल एयर प्योरीफायर, ठीक है। क्योंकि तो मुझे थोड़ा सा आजकल एरोमा से ज़्यादा लगाव हो रहा है, मुझे अच्छे अच्छे खुशबू सूंघनी है। तो इसमें है लैम। तो ये देखो इसके अंदर ये है सॉल्ट लैम जो हम अपने रूम में रखेंगे, वो बढ़िया से चलेंगे। अभी देखते हैं किस तरह से। वैसे देखो गणेश जी की और ओम, ठीक है, इधर गणेश जी इधर ओम, इस तरह से है। और ये सारा वुडन में है। ये है पहाड़ी सॉल्ट लेमन ड्रॉप्स। इसे ओपन करके ये है नमक। तो इसको इसके साथ ऐसे रख देंगे। और ये इसके अंदर का लेमन ग्रास ऑयल है। सो पहले हम इसको चेक करते हैं कि अब ये जल के लगता किस से। है ना कमाल की चीज। इसे ऊपर तक ढकना पड़ेगा। इसको जिस तरह से होगा इसका यूज़ तो बहुत ही अच्छा है। और गिफ्ट भेजने वाले के लिए थैंक यू। और इसको मैं लगाऊंगा अपने अपने ऊपर वाले रूम में और अच्छे अच्छे खुशबू आएगी और नाइट में थोड़ा सा व्यू भी अच्छा रहेगा। सो चलो गाइस आज के व्लॉग को इतने रखते हैं। सो अगर
अगर आप ब्लॉग में यहाँ तक पहुँच गए तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दिस इज अनफिल्टर्ड गौरव साइनिंग ऑफ।